वालेकुम दोस्तों हम चंद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ लॉ जो क्रिमिनल केसेस को रिलेटेड है डिस्कस करेंगे पिछले दिनों में 21 मार्च को मेरी हेयरिंग थी क्रिमिनल रिविजन में नॉन प्रोसिक्यूशन यानी हर हाजरी और एडम पेरवी की बुनियाद पर वो केस खारिज हो गया फिर मैंने उनतीस मार्च को एप्लीकेशन फ़ॉर रेस्टोरेशन ऑफ क्रिमिनल रिविज़न दायर कर दिया तो वहाँ पर जो सेशन जज साहब थे उन्होंने कहा कि सी में इस तरह कोई भी प्रोविज़न मौजूद नहीं है लिहाजा ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है तो मैंने कहा मुझे ज़रा वक्त टाइम दीजिए कि मैं सर्च करूं। तो दो क्वेश्चन ऑफ़ लॉ है कि नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर क्रिमिनल केस खारिज करना क्या वैलिड है लीगल है और दूसरा ये कि क्रिमिनल प्रोसीजर में रजिस्टोशन की अप्लीकेशन दायर की जा सकती है या नहीं तो हमारे सामने जो केस ला है इसमें एक इशू डिस्कस की गई है उसकी जो रिफरेंस आइटेशन है 2004 हज़ार चार पी सी आर एल जे पेज जो है फोर सिक्स एट पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है डिस्कस करते हैं पेरा ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 561 ए क्वेशिंग ऑफ सेशन कोर्ट आर्डर डिसमिसिंग द रिविजन पिटीशन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन रिविजन पिटीशन फाइल बाय द पिटिशनर अगेंस्ट आर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैड बीन एडमिटेड टू रेगुलर हेयरिंग बाय द सेशन कोर्ट एंड द पिटिशनर एंड हिस्स कौंसल हैड बीन अपियरिंग इन कोर्ट ऑन ईच डेट केस आन द रेलिवेंट डेट विक्सड फॉर द रिकार्ड एंड अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेंट वन इट वॉज डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन यहाँ पर यह मामला है कि ये जो पिटीशन दायर किया गया है किस लिए के आर्डर ऑफ डिसमिसिंग द रिविजन पिटिशन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन वो क्वेश किया जाए और जो रिवीजन पटिशन दायर किया गया था पिटिशनर की तरफ से वो मजिस्ट्रेट के आर्डर के खिलाफ दायर किया गया था और एडमिट हो गया था फॉर रेगुलर हेयरिंग लेकिन रिलेवेंट डेट एक तारीख आ गई उस पर वो हेर हाजिर थे फिर सेशन कोर्ट ने नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर डिसमिस कर दिया अब कोर्ट की जो वर्डिक है वो ये है सेशन कोर्ट और टू हैव यानी सेशन कोर्ट को चाहिए था कि क्या करते द डेट एंड जॉन देंट ऑफ द स ऑफ दम्पलेंट शुड है रिविजन पटिशन आन मेरिट्स के वो तारीख चेंज कर देते और कंप्लेंट के अटेंडेंस के बाद रिविजन पिटिशन का मेरिट पर फैसला कर देते इसके बाद बताया जा रहा है क्रिमिनल रिविजन आफ्टर इट्स एडमिशन टू तो रेगुलर हेयरिंग कुड नाट बी डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन इम्प्यूड ऑर्डर वॉज consequently set aside and the criminal revision petition was restored on the file of the session court for decision on merits in accordance with law तो फिर हाई कोर्ट ने ये कर दिया कि impugned order को set aside करा दिया और criminal revision को बहाल कर दिया और ये direction भी दिए कि session court जो है वो कानून के तहत फैसला करे merits के बुनियाद पर यही principle इस केस में डिस्कस किया गया है उन्नीस सौ इक्यानवे पी सी आर एल जे पे जो है वन थ्री फाइव थ्री इसके बाद पैरा बी में कैटेगोरिकली एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन फोर थ्री नाइन हाई कोर्ट की जुरस्डिक्शन है रिवीजन और फोर थ्री नाइन ए सेशन कोर्ट की जुरुणिक्षन, जुरुणिक्षन, रिवीजन जुरस्डिक्शन रिवीजनल जुरस्डिक्शन रिवीजन पिटीशन डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन रिवीजन आफ्टर इट इज एडमिटेड टू रेगुलर हेयरिंग बाई द कोर्ट कैन नॉट बी डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन ये बताया गया कि जब क्रिमिनल रिविजन एडमिट किया जाए फॉर रेगुलर हेयरिंग तो कोर्ट उसको डिसमिस नहीं कर सकता है नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर तो केस ला से हमें यह मालूम हो गया कि इस तरह की डिसमिसल ऑफ़ केस ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट वैलिड या नॉट लीगल तो इस तरह जो प्रैक्टिस है कोर्ट की तरफ से वो वैलिड नहीं है लीगल नहीं है लिहाजा कोर्ट को चाहिए कि वह एहतियात करे और मौका दे जो प्रोसिक्यूशन है या जो पटिशनर है कि के वो केस को परसू करे और चंद चांसेस दे। तो हमें मालूम हो गया कि इस तरह अगर डिसमिसल हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और आपकी केस बहाल हो सकती है